ले उछुड़ाए सिए कहीं कोई उधर बांधो नृप बालक दोई ओ जो विदेह कछु करे सहाई तो जीतो समर सहित दो भाई। ये राजा बकने लगे सब। तब तक पत्रकारों ने कहा कि प्रभु धनुष टूट गया। कहां धनुष टूट गया? पत्रकारों ने धनुष से कहा बड़ा दुर्भाग्य है धनुष तू। धनुष बोला क्यों? कि अगर बहादुर तू था तो तुझे 10,000 राजाओं से टूटना चाहिए था, लेकिन जब 10,000 राजाओं से तू नहीं टूटा तो हम लोगों ने समझ लिया कि विश्व की धरती का सबसे बड़ा बलवान धनुष है जिसको कोई हिला तक नहीं सका। लेकिन टूटे भी हो तो तुम मासूम बेटे से टूट गए हो, क्योंकि भगवान श्री राम मल कोमलांगम है ना। भगवान श्री राम तो कोमल है ना, बहुत कोमल है, और प्रभु श्री राम बड़े सुकुमार हैं। तो इतने बहादुरों से तुम नहीं टूटे और राम जी से टूट गए हो, और टूटा तोड़ा भी राम जी ने, पहले तुम्हें उठाया फिर हिलाया फिर डलाया फिर तोड़ा तोड़ के फेंक दिया। देखो अगर टूटते नहीं तो तुम फेंके नहीं, धरती पर नहीं गिरे होते। देखो आज तुम गिर गए हो। धनुष बोला मुझसे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई नहीं है, विश्व की धरती का सबसे बड़ा भाग्यवान मैं हूं। कहा क्यों? धनुष ने कहा मैं अभागे राजाओं से नहीं उठा, मैं अगर उठा हूं तो प्रभु श्री राम के हाथों से उठा, मुझे उठाया तो प्रभु श्री राम ने उठाया, खींचा तो प्रभु ने अपने हाथों से खींचा, और तोड़ा अपने हाथों से तोड़ा, और तोड़ करके फेंका तो अपने चरणों में डाल दिया है। मैं गिरा भी हूं तो टूट करके भगवान के चरणों में पड़ा हूं, इसलिए मुझसे बड़ा सौभाग्य कौन हो सकता है जिसको टूटने के बाद भगवान के चरण मिल गए। इसलिए मेरा सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं। तो पत्रकारों ने कहा डोरी तू तो अभाग्नि है। कहा क्यों? बोले तू टूटी ही नहीं, धनुष सौभाग्यशाली है इसलिए टूट गया, लेकिन तू तो बड़ी निठुरा है, तू टूटी ही नहीं। धनुष बोल धनुष टूट गया तू क्यों नहीं टूटी? डोरी बोली मैं इसलिए नहीं टूटी हूं क्योंकि जब भगवान ने धनुष को खींचा तो धनुष आगे बढ़ गया, और डोरी बोली मैं हृदय से लग गई, तो जो राम जी से दूर जाता वो टूट जाता, और जो राम जी के हृदय से लग जाता वो अमर हो जाता है, वो कभी टूटता नहीं। इसलिए डोरी कहती है मैं तो हृदय से न लग गई। अच्छा धनुष को जब खींचोगे तो धनुष का अग्रभाग आगे चला जाएगा ना, और जो डोरी होगी ना डोरी वो कहां आएगी? हृदय पे। इसलिए मैं तो रघुनंदन के हृदय से लग गई हूं, इसलिए मेरा तो सौभाग्य है। तो डोरी भी अपने को भाग्यवान समझ रही है और धनुष भी अपने को भाग्यवान समझ रहा है, और दोनों ही अपने को भाग्यवान समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा सतानंद जी से अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भोजन का टाइम हो रहा है, जल्दी माल्यार्पण हो जाना चाहिए क्योंकि विवाह कन्फर्म तब होगा। धनुष भले ही टूट गया ये तो फॉर्मेलिटी हो गई, लेकिन जब तक सीता जी माला नहीं डालेंगी, जयमाल नहीं डालेंगी भगवान श्री राम के गले में, तो ईमानदारी के साथ बताओ विवाह कन्फर्म माना जाएगा? यानी दुल्हन का दूल्हे के गले में माला गिर जाना का अर्थ होता है समर्थन, क्यों भाई? यही होता ना। तो कहे कि माल्यार्पण की व्यवस्था तुरंत कहो, सीता से राम जी के गले में जयमाल डाले। सतानंद तव आयसुदीना, तो सीता गवन राम पहिकीना। सीता जी माला लेकर के प्रभु के पास पहुंच गई और सखियां पीछे से खड़ी हैं। अब किशोरी जी माला हाथ में लिए हैं और पीछे से सखी संकेत कर रही है, चतुर सखी लख कहा बुझाई, ओ पहिरावो जयमाल सुहाई। चतुर सखी ने पीछे से कहा, ये चतुर सखी कल मैंने बताया था ना भगवान शंकर हैं, पीछे से कहते हैं भगवान शंकर चतुर सखी के रूप में कि माला डाल दो राम जी के गले में। सीता जी कहती मैं डालूं तो कैसे डालूं, थोड़ा सा राम जी प्रभु थोड़ा सा झुके तो, क्योंकि जब तक माला पहनने वाला गर्दन ऐसे नहीं करेगा तब तक दिक्कत ना हो जाएगी पहनाने वाले को,
जैसे मान लीजिए कोई माला पहनाने आता है तो हमको भी ऐसे होना पड़ता है और हम यूं खड़े रहें और माला वाला जो हम यूं हो जाए तो मतलब क्या होगा इसका अर्थ, समस्या खड़ी हो जाएगी कि नहीं। तो पीछे से सखी कह रही है ये चतुर सखी कौन है, कल मैंने कहा ना भगवान शंकर पीछे से इशारा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चतुर सखी लख कहा बुझाई अतो पहिरावो जयमाल सुहाई। माला पहनाओ, जयमाल पहनाओ। सीता जी कहती मैं पहनाऊं तो कैसे पहनाऊं, थोड़ा हमसे कह रही हो जरा उनसे ही कह दो कि थोड़ा झुक जाओ। तो पीछे से चतुर सखी बोली रघुनंदन जू थोड़ा सा झुक जाइए क्योंकि हमारी किशोरी जी आपको माला नहीं पहना पा रही। राम जी ने झुकने का मूड बनाया तब तक लक्ष्मण जी ने कहा भैया झुकना नहीं है, झुकना बिल्कुल नहीं है। अब राम जी ने कहा अगर हम इस समय झुकते हैं तो लोग यही कहेंगे कि छोटा भाई रोक रहा था लेकिन बड़े को विवाह की पड़ी थी तो झुक गया। अब राम जी ज्यों की त्यों खड़े हैं, हमारे प्रभु श्री राम तो बड़े मर्यादित है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम उनका नाम ही है, तो प्रभु एकदम खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप बिल्कुल झुकना नहीं। चतुर सखी पीछे से बोली आपको क्या दिक्कत है, हमारी किशोरी जी छोटी हैं नहीं पहना पा रही हैं तो थोड़ा सा झुक जाए उसमें क्या दिक्कत की बात है, और आप बीच में क्यों व्यवधान बन रहे। लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए व्यवधान बन रहे कि ये 10,000 राजा जो धनुष को हिला तक नहीं पाए ये अकड़े मकड़े बैठे, हमारे प्रभु धनुष भी तोड़े और झुके अलग ऊपर से, यही तुम्हारी नीति है, समझती नहीं हो। सखियों ने कहा छोटे ठाकुर बात यह है कि कई प्रकार का झुकना होता है, एक तो व्यक्ति परिस्थितियों में झुक जाता है, क्यों भाई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि झुकना ही पड़ता है। हमारे स्वामी सत्प्रज्ञानंद जी तो सुबह से शाम तक है ना, अरे और तो और छोड़िए आप कि जिनके सामने कभी नहीं झुके हैं उनके सामने ही बंदों संत असज्जन चरना क्योंकि अपना कार्य बनाना है इसलिए झुकना ही है और जब यज्ञ निपट जाए फिर देखो पता चल जाएगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं आपसे कि परिस्थितियों में चतुर सखी ने कहा कि परिस्थितियों बस झुकना पड़ता है तो हम अपमानित तरीके से नहीं झुकाना चाहती हैं, बस व्यवस्था के अंतर्गत कि सीता जी हमारी छोटी है ना, राम जी थोड़े बड़े हैं इसलिए थोड़ा झुक जाए और माला डाल ले फिर इसके बाद कभी ना झुके कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा बात यह है कि अगर विवाह के लिए झुकना पड़ रहा है तो विवाह हो चाहे ना हो लेकिन झुकेंगे नहीं, इसलिए कि हम क्षत्रिय हैं हम कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। तो चतुर सखी ने कहा यह ससुराल है इसमें बहादुरी की कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं क्यों भाई, विवाह में तो बड़े बड़े लोगों को झुकना ही पड़ता है, झुकना पड़ता कि नहीं, इसलिए विवाह की लीला संपन्न हो रही है छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार बुरा मत बिल्कुल मत मानो और झुक जाने दो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपको अगर सखी की बात माननी है तो फिर ये सखा चला हाँ आप सखी ही के बन के रह जाओगे फिर सखा हाथ में नहीं लगेगा आपके, इसलिए आप सखा की मान रहे हैं कि सखी की। अब राम जी ने कहा मामला बड़ा गड़बड़ हो गया भाई क्या करें क्या ना करें, और हम इसको बार बार समझा रहे थे लक्ष्मण को कि बीच में मत बोला करो तुम, और ये बीच में बोलना बंदा ही नहीं हो रहा, कल से समझा रहे हैं बराबर कि बीच में मत बोलो बीच, और बोल गया बीच में अब करें तो क्या करें। अब राम जी ने कहा कि देखो विश्वामित्र जी की ओर देखा कहा बाबा तुम्हारा यज्ञ तो सफल हो गया हमारा यज्ञ व्यवधान में आ गया और आपने ये जिम्मा लिया था ठेका लिया था कि आप हमारे यज्ञ को अगर संत के यज्ञ को भगवंत पूरा कराएगा तो भगवंत के यज्ञ को संत भी पूरा कराएगा, इसलिए आपका यज्ञ तो निपट गया हमारा रह गया यज्ञ, हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति अब होने वाली नहीं है, बड़ा व्यवधान आ गया। विश्वामित्र जी बोले चिंता मत करो। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण की ओर देखा क्योंकि लक्ष्मण ही दिक्कत पैदा कर रहे थे, तो विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण की ओर देखा लक्ष्मण, लक्ष्मण जी ने कहा जी गुरुदेव क्या बात है, मैं बहुत देर से देख रहा हूं और आज तुम बहुत बड़ी धृष्टता कर रहे हो। लक्ष्मण जी बोले आपको यह लग रहा होगा कि मैं विवाह में व्यवधान बन रहा हूं मैंने कुछ कह दिया इसलिए धृष्टता। विश्वामित्र जी नहीं नहीं तुम्हारा बोलना वहां उचित है वो दूसरी बात है तुम बोल सकते हो लेकिन धृष्टता और मामलों में हो रही है। तो लक्ष्मण जी ने कहा किस मामले में हो रही धृष्टता। विश्वामित्र जी ने कहा
कि ये जितने भी राजा बैठे हैं ये सब विरोधी है राम जी की, बोलो है कि नहीं। और इतना बड़ा कार्य प्रभु श्री राम ने किया कि किसी ने कर नहीं पाया, वज्र से कठोर धनुष को तोड़ दिया, वो मिनटों में धनुष को, सेकंडों में धनुष को तोड़ दिया। वो इतना बड़ा कार्य करने के बाद ये राजा तो विरोधी है, ये तो विरोध करेंगे, अभिनंदन तो कर नहीं सकते। लेकिन तुम तो जानते हो, छोटे हो, इतना बड़ा कार्य करने के बाद तुम अकड़े मकड़े खड़े हो, अभी तक तुमने प्रभु का अभिनंदन ही नहीं किया। कम से कम धनुष तोड़ने के बाद एक बार साष्टांग गिर जाते चरणों में, भैया आपने रघुवंश की लज्जा को बचा लिया। लेकिन तुम तभी से खड़े हो अकड़े मकड़े। लक्ष्मण जी बोले ये तो भूल हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा कोई बात नहीं, सुबह का भटका हुआ शाम को अगर रास्ते पर आ जाए तो भटका हुआ नहीं माना जाता है, इसलिए अभी क्या बिगड़ा, प्रणाम करो, चरणों में गिर जाओ साष्टांग। लक्ष्मण जी ये समझ ही नहीं पाए और लक्ष्मण जी तुरंत जो है चरणों में गिर पड़े। अच्छा एक बात और बताएं आपको, सीता जी भक्ति है और राम जी ज्ञान है और लक्ष्मण जी वैराग्य है, तो याद रखना वैराग्य की शोभा उसी में है कि जहां ज्ञान और भक्ति दोनों हो तो दोनों के मध्य में उसे झुक ही जाना चाहिए, उसे अकड़ा मकड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए, उसे तो झुक ही जाना चाहिए। तो एक भाव तो ये है कि वैराग्य को झुकना चाहिए और दूसरा भाव ये है कि प्रभु ने इतना बढ़िया कार्य किया है तुम अकड़े मकड़े खड़े हो तुम्हें झुक जाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा भूल तो हो गई लेकिन भूल का सुधार यही है, करो प्रणाम। लक्ष्मण जी साष्टांग गिर गए और जैसे ही साष्टांग गिरे तो विश्वामित्र जी ने कहा रामभद्र भरे समाज में तुम्हारा भाई तुम्हारे चरणों में पड़ा है, धर्म ये कहता है कि अपनी बाहुओं से उठा लो और अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लो। राम जी ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा सिरोधारी है। राम जी जैसे ही झुके पीछे से शंकर जी बोले सीता जी हां। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को उठाने लगे उसी समय गावहीं उर अवलोक सहेली सिय जयमाल राम उर मेली सिय जयमाल राम उर मेली। उसी समय श्री किशोरी जी ने श्री राघवेंद्र सरकार के गले में माला डाल दी और जैसी जयमाल डली भगवान ने लक्ष्मण को उठाया और जैसी हृदय से लगाया तो पुष्पों की माला ठंडी ठंडी लगी लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी बोले भैया ये माला कब गिरी? राम जी बोले तुम गिरे हो माला गिरी। जब तक तुम खड़े थे तभी तक माला नहीं गिर रही थी लेकिन तुम गिरे और माला गिरी। गोस्वामी जी कहते हैं अद्भुत विवाह था और जैसे किशोरी जी ने राम जी के गले में माला डाली गोस्वामी जी कहते विवाह पूर्ण हो गया। आज तो राम सरस बर दुल्हन सीता और समधि दशरथ जनक पुनीता। आज श्री राम जैसा वर नहीं है, सीता जी जैसी दुल्हन नहीं है, सीता राम जी का विवाह संपन्न हो गया है। अब देखो भाई जब जयमाला कार्यक्रम संपन्न हो जाए तो भोजन के लिए तैयार हो जाना चाहिए, है ना। अब जो है भोजन के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि जयमाला के बाद ही ना भोजन होता है, इसलिए प्रेम से जो है भोजन की व्यवस्था और दो बार कीर्तन कर लो। इसके बाद देखो बैठे रहना, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारे स्वामी शक्त प्रज्ञानंद जी महाराज आपको कुछ सूचनाएं देंगे, प्रमुख सूचनाओं को सुनकर के ही आप लोग यहां से उठ करके जाएंगे, बाकी सब बैठे ही रहें, प्रेम से बैठे रहें इसलिए। और एक बात मैं और कह दूं, बड़ी प्रसन्नता की बात है, स्वामी शक्त प्रज्ञानंद सरस्वती से मेरी पहली मुलाकात इसी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव भीकमपुरा में हुई थी और भीकमपुरा में बड़ा अद्भुत यज्ञ हुआ था और वो बैठे हैं जगन्नाथ पाणिग्राही। जरा खड़े हो जाओ जगन्नाथ, इधर आओ। तो स्वामी सत प्रज्ञानंद जी की अध्यक्षता में भीकमपुरा में जो यज्ञ हुआ था तो मुझे खोजने में सबसे पहला तो श्रेय जो है जगन्नाथ पाणिग्राही को है। और इसके बाद स्वामी सत प्रज्ञानंद जी से मुलाकात हुई और ऐसी मुलाकात हुई, हाँ हाँ बिल्कुल आप डाल दीजिए, वाह देखो स्वामी जी के द्वारा जगन्नाथ पाणिग्राही का इसलिए सम्मान हो रहा है, जगतगुरु से मिलाने वाले जगन्नाथ जी हैं। और वास्तव में ये सत्य है, जगन्नाथ ही तो मिलाते हैं। मिलाने वाले तो जगन्नाथ ही होते हैं, इसलिए भगवान जगन्नाथ की कृपा और ये जगन्नाथ पाणिग्राही का प्रयास।
और स्वामी सत प्रज्ञानंद जी से मुलाकात, और बड़ा बढ़िया यज्ञ वहाँ हुआ था। छोटा सा गांव है लेकिन बहुत अच्छी उपस्थिति वहाँ भी होती थी, बड़ा संतोष मिला। और ऐसी आत्मीयता स्वामी सत प्रज्ञानंद जी से हो गई मेरी कि याद रखना शरीर दो हैं लेकिन प्राण हम दोनों का एक है, इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, हमें बड़ी आत्मीयता है इसलिए। और हमारे पास कुछ लोग आए थे, कहे स्वामी जी आपकी राम कथा बहुत बढ़िया लगती है, हम लोग क्या कथा करा सकते हैं? हमने कहा स्वामी सत प्रज्ञानंद जी जिस दिन चाह लेंगे उसी दिन कथा होगी, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कथा नहीं हो सकती है जगत गुरु की। जगत गुरु की कथा के लिए तो सत प्रज्ञानंद सरस्वती से संपर्क करना पड़ेगा, तभी रामानंदाचार्य की कथा होगी। इसलिए जिन भक्तों के मन में जो भी लालसाएं हों वो हमारे बारे में स्वामी जी से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए कीर्तन कर लिया जाए दो बार। और देखो ये बालक आज मुझे इसका ध्यान बरवश आ रहा है, और ये दोनों देखो, ये अविनाश इधर आओ बेटे, ये अभिनव और इधर आओ, इधर आओ, ये जो है दोनों बड़े प्रिय बेटे हैं। इसका नाम अविनाश चैतन्य है, इसका अभिनव चैतन्य है। ये दोनों ने इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए भरपूर प्रयास किया, दिन में भोजन नहीं किया, रात्रि में नींद नहीं लिया है। इन दोनों बच्चों ने, अभिनव चैतन्य ब्रह्मचारी ने एवं अविनाश चैतन्य ब्रह्मचारी ने, इन दोनों ब्रह्मचारियों ने बड़ी मेहनत की है। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूं कि मैंने जो तपस्या की है इनके कल्याण में वह तपस्या लग जाए और इनका यशवर्धन सदा होता रहे और ये देश के ख्याति लब्ध संत हों, ऐसा मेरा इन दोनों बच्चों के लिए आशीर्वाद है। और आश्रम के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब के लिए मेरा आशीर्वाद है, सभी लोग मनोयोग के साथ लगे रहे, सभी ने बड़ी अच्छी सेवाएं इस यज्ञ को सफल बनाने में दी हैं। और हमारे विपिन बिहारी दास जी महाराज वयोवृद्ध संत हैं लेकिन संप्रदाय का जगतगुरु होने के नाते मैं इनको दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि इनकी उम्र बढ़ जाए और हम इसी तरह इनको देखते रहें, बस यही मेरी इच्छा है। और मैं समग्र संतों के मध्य बैठा हूं इसलिए समग्र संतों की मंगल कामना करता हूं, सबके जीवन का कल्याण हो, सबके जीवन का कल्याण हो, यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी मन की इच्छा है। इसलिए आए भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, कृपा कर अपना लो राम, कृपा कर राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय सच्चिदानंद भगवान की, नृसिंह भगवान की, विद्यानाथ भगवान की जय, नाथ भगवान की जय, सीताराम यज्ञ भगवान की जय। बोलिए जगत जगत गुरु।